अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज वापस आ गया हूँ एक नया ब्लॉग के साथ। टुडे आई एम बैक विद अनदर ब्लॉग। होप यू ऑल आर डूइंग वेल बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी गॉड। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम डूइंग फाइन। सो टुडे विल डिस्कस अबाउट वासिफ मंजिल एंड निजामत फोर्ट कैंपस इन डिटेल्स। तो आज हम वासिफ मंजिल और निजामत फोर्ट कैंपस को डिटेल में जानेंगे। व्हाट कंप्राइजेस द निजामत फोर्ट कैंपस, उसके अंदर क्या क्या है निजामत फोर्ट कैंपस के अंदर, तो वो हम जानेंगे डिटेल्स में। तो बने रहो वीडियो पे, अगर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो। सो कीप वॉचिंग द ब्लॉग एंड इफ यू आर नियर हेयर जस्ट प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल। वासिफ मंजिल, ऑल्सो नोन एज न्यू पैलेस, वॉज बिल्ड बाई नवाब वसीफ अली मिर्जा खान। तो वसीफ मंजिल, जिसे नया महल भी कहा जाता है, इसे नवाब वसीफ अली मिर्जा खान ने बनवाया था। दिस पैलेस वॉज यूज बाई द नवाब एज हिज रेसिडेंस। तो इस महल को नवाब रहने के लिए इस्तेमाल करते थे। इट गॉट एक्सटेंसिवली डिस्ट्रॉयड इन द 1897 अर्थक्वेक। तो साल 1897 में उठे भूकंप से ये महल बहुत ज़्यादा तहस नहस हो गया था। लेटर इट वॉज रिपेयर्ड बट विदाउट द सेकेंड स्टोरी। तो अंत में इसे बनाया गया पर दूसरे माले को छोड़ के। द हजार दुआरी पैलेस, अर्लियर नोन एज द बारा कोठी एंड इज सिचुएटेड नियर द बैंक ऑफ द रिवर हुगली। हजार दुआरी पैलेस को पहले बड़ा कोठी के नाम से भी जाना जाता था और ये रिवर हुगली के किनारे में स्थित है। इट वॉज बिल्ट इन द 19th सेंचुरी बाई आर्किटेक्ट डंकन मैकलियॉड अंडर द रेन ऑफ नवाब नाजिम हुमायूं जा ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। तो इसे 19वीं शताब्दी में बनाया गया था और इसे बनाया था डंकन मैकलियॉड नामक आर्किटेक्ट ने, और ये नवाब नाजिम हुमायूं जा साहब के अंडर में बनाया गया था, जो कि नवाब थे उस समय के बंगाल, बिहार और उड़ीसा के। द नेम ऑफ द पैलेस दैट इज हजार दुआरी मीन्स अ पैलेस विद अ 1000 डोर्स। तो हजार दुआरी महल का नाम का मतलब है कि एक महल हजार दरवाजे वाला। द पैलेस हैज इन ऑल 1000 डोर्स ऑफ विच 100 आर फॉल्स मेड टू कन्फ्यूज कैप्टिव। तो हजार दुआरी में हजार दरवाजे हैं जिनमें से 100 नकली है, यानी सिर्फ 900 ही असली है। ये इस कारण से बनाया गया था कि अगर कोई भागने की कोशिश करे महल से तो उसे असली दरवाज़ा ढूंढने में थोड़ा सा वक्त लगे। इट इज़ अ 3-स्टोरीड बिल्डिंग विद अ टोटल ऑफ 114 रूम्स। तो ये महल में कुल 114 कमरे हैं और ये तीन माला मंजिल है। निजामत इमामबाड़ा, इट इज़ अ शिया मुस्लिम कॉन्ग्रीगेशन हॉल इन मुर्शिदाबाद। तो निजामत इमामबाड़ा एक शिया मुस्लिम का संगठन का जो एक समुदाय है मुस्लिम समुदाय में, शिया मुस्लिम जिसे कहते हैं, तो ये उनका एक मीटिंग प्लेस है। द प्रेजेंट इमामबाड़ा वॉज बिल्ट इन 1847 AD बाई नवाब मंसूर अली खान एज द ओल्ड इमामबाड़ा दैट वॉज बिल्ट बाई नवाब सिराजुद्दौला वॉज डिस्ट्रॉयड बाई द फायर्स ऑफ 1842 एंड 1846। तो ये जो नया इमामबाड़ा है इसे सन 1847 में नवाब मंसूर अली खान ने बनवाया था, इस कारण से कि जो पुराना इमामबाड़ा था वो 1842 और 1846 के आंख में जल के राख हो गया था। दिस इमामबाड़ा इज़ द लार्जेस्ट वन इन इंडिया एंड बंगाल। तो ये जो इमामबाड़ा है ये भारत और बंगाल का सबसे बड़ा इमामबाड़ा है। बच्चा वाली तो, द कैनल लाइज इन द निजामत फोर्ट कैंपस ऑन द गार्डन स्पेस बिटवीन द निजामत इमामबाड़ा एंड द हजार दुआरी पैलेस। तो जो बच्चा वाली तोप है ये निजामत फोर्ट कैंपस में स्थित है, जो बागीचा है निजामत इमामबाड़ा और हजार दुआरी महल के बीच में वहाँ पे। इट कंसिस्ट ऑफ टू पीसेज ऑफ डिफरेंट डायमीटर। तो ये दो हिस्सों में बटा है जो कि अलग अलग साइज का है। देयर आर 11 रिंग फिक्स्ड टू द आयरन रॉड बैरल। तो इस जो लोहा का मुंह है इसमें 11 छल्ले लगे हैं। पेटल्स आर ड्रॉन ऑन दिस आयरन कैनन विच डेकोरेट द मजल एंड वन ऑफ द रिंग्स रिजेंबल अ स्ट्रिंग ऑफ बीड्स। तो इसमें पत्तों का डिजाइन बना हुआ है और एक छल्ला ऐसा है जो गले का माला जैसा दिखता है। द मजल ऑफ द कैनन इज 1 foot and 7 inches। तो जो मुंह है इस तोप का वो 1 foot 7 inch का है। नियर द मजल ऑन द अपर हाफ ऑफ द बैरल सरफेस देर आर 14 लाइन्स विच आर ऑफ ब्रास। तो जो मुंह के पास लोहा का हिस्सा है उसमें 14 लाइन बने हैं, 7 इस तरफ और 7 उस तरफ, जो कि तांबे से बने हैं।
देयर आर 8 स्मॉलर रिंग्स अटैच्ड एट वेरियस पॉइंट्स ऑन द कैनन. तो इसमें 8 और छोटे छल्ले भी हैं जो अलग अलग हिस्सों में लगे हुए हैं. द कैनन वेज अराउंड 7,657 kg. तो इस तोप का वजन है 7,657 kg. एंड इट इज सेड दैट फॉर अ सिंगल शेलिंग इट रिक्वायर्स अबाउट 18 kg ऑफ गन पाउडर. तो इसको एक बार इस्तेमाल करने के लिए 18 किलो बारूद का ज़रूरत होता था. मदीना मॉस्क. इट इज़ अ मॉस्क इन द निज़ामत फोर्ट कैंपस इन मुर्शिदाबाद. तो मदीना मस्जिद एक मस्जिद है निज़ामत फोर्ट कैंपस के अंदर में, जो कि मुर्शिदाबाद में है. देयर आर टू मदीना मॉस्क इन द फोर्ट कैंपस. द ओल्ड वन बिल्ड बाई नवाब सिराजुद्दौला ड्यूरिंग द 18th century एंड द न्यू वन बाई नवाब मंसूर अली खान इन 1847. तो निज़ामत फोर्ट कैंपस के अंदर में दो मदीना मस्जिद है. पुराना वाला जिसे नवाब सिराजुद्दौला ने बनाया था सन 18th century में, और नया वाला जिसे नवाब मंसूर अली खान ने बनाया था 1847 में. तो दो मदीना मस्जिद बनाने का कारण ये था कि जो पुराना वाला मस्जिद था वो जल गया था 1842 और 1846 में लगे आग से. तो नवाब मंसूर अली खान ने उसे भी ठीक करवाया और निज़ामत इमामबाड़ा के अंदर में एक और मदीना मस्जिद बनवा दिया. क्लॉक टावर ऑफ मुर्शिदाबाद, ऑल्सो नोन एज घड़ी घर और बिग बेन ऑफ मुर्शिदाबाद, इज अ क्लॉक टावर इन द निज़ामत फोर्ट कैंपस. तो घड़ी घर जो घंटा घर है मुर्शिदाबाद का, उसे घड़ी घर भी कहा जाता है या बिग बेन ऑफ मुर्शिदाबाद भी कहा जाता है. ये स्थित है निज़ामत फोर्ट कैंपस के अंदर के बागीचे में. इट वॉज डिज़ाइन बाई सागर मिस्त्री. सो इसे बनाया था सागर मिस्त्री ने, जो कि डंकन मैकलियोर जो आर्किटेक्ट है हज़ार द्वारी का, उनके सहायककार थे. तो ये भी कहा जाता है कि इस टावर का मुंह भागीरथी नदी के तरफ पूर्व के तरफ किया गया था, ताकि जो नाविक और मछुआरे हैं उन्हें भी वक्त का पता लगे. तो द फेस ऑफ द डायल ऑफ द क्लॉक वॉज मेड टू फेस ईस्ट टू द भागीरथी, सो दैट द सेलर्स एंड द फिशरमैन ट्रैवलिंग इन द रिवर कुड नो अबाउट द टाइम. येलो मॉस और जुरूद मॉस. देयर आर वेरी फ्यू थिंग्स मेंशन अबाउट दिस मॉस. जो पीला मस्जिद है या जुरूद मस्जिद, इसके बारे में बहुत ही कम कुछ लिखा हुआ है. द मॉस्क इज ऑफ द सेम कलर एज ऑफ द हज़ार द्वारी पैलेस. तो मस्जिद का रंग बिल्कुल ही हूबहू हज़ार द्वारी पैलेस के जैसा है. तो ये मान सकते हैं कि इस मस्जिद को लोकल लोगों ने हज़ार द्वारी के तरह ही बनवाया था, जिसे वो अपने नमाज के लिए इस्तेमाल करें. तो इट इज़ सेड दैट पीपल मेड द मस्जिद लुक अलाइक द हज़ार द्वारी एंड यूज इट एज टू ऑफर प्रेयर. सो गाइज, दैट वॉज इट. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो. And please do subscribe to my channel and please keep supporting me. और बाकी और videos भी आएंगे, तो आप please channel में बने रहो. So I'm going to upload more videos like this, the historical Murshidabad. I visited the other places. So please keep supporting me and subscribe to my channel. Thank you very much. Thank you for watching once again. Thank you.